मार्केट पुलिस स्टेशन के हद में महिला पुलिस का पथ संचलन। हाथों में लाठी थामे महिला पुलिस के सिपाहियों ने मार्केट पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले एरिया खड़े बाजार, दरबार गली, खंजर गली, भड़कल गली, चवाट गली के साथ तमाम एरिया में पथ संचलन किया है। लॉकडाउन के चलते कई लोग आज भी सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं, जिसमें औरतें भी शामिल है। इन्होंने पथ संचलन कर लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने का मैसेज लोगों को दिया है। डीसी एमजी हिरेमठ ने जारी किया वीकेंड कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश। ये कंप्लीट लॉकडाउन 29 मई के सुबह 6 बजे से 30 मई की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें पिछली बार की तरह सिर्फ दूध और दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। अस्पताल को जाने के लिए कोई रुकावट नहीं होगी। प्रशासन द्वारा आदेश का पालन न होने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के साथ साथ अब ब्लैक और व्हाइट फंगस के मामलों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ब्लैक फंगस के बाद अब बेलगाम में दो व्हाइट फंगस के मामले मिलने की जानकारी DHO SV मुंशाल इन्होंने दी है। बताया गया है कि ब्लैक फंगस के 9 मामले बेलगाम में मिले हैं, जिन्हें हुबली के किम्स अस्पताल में रख इलाज किया जा रहा है। गर्भवती महिला गिड़गिड़ाती रही, लेकिन अस्पताल वालों ने उसे अंदर ही नहीं लिया। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद भी महिला को अंदर नहीं लिया जाता है। फिर अस्पताल के गेट में खड़ी महिला का बच्चा जमीन पर ही गिरता है, जिससे उस बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। ये घटना मंड्या के जिला अस्पताल की है, जहाँ सोनू नामी एक महिला कल डिलीवरी करवाने के लिए आती है। उसके पास कोविड रिपोर्ट न होने के कारण उसे एडमिशन नहीं मिलता है। फिर आज सुबह 6 बजे उसे डिलीवरी का पेन शुरू होते ही उसके परिवार वाले उसे अस्पताल ले आते हैं। अस्पताल के दरवाजे में 2 घंटे खड़े होने के बाद भी उसे अंदर नहीं लिया गया था। महिला के परिवार वालों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपने गुस्से का इजहार किया है। विजयपुर जिले के कुड़लगी में मौलाना अबुल कलाम आजाद यंग कमेटी की जानिब से शहर के जरूरतमंदों के लिए सब्जी का किट दिया गया। लॉकडाउन के चलते लोगों की रोजी रोटी पर ब्रेक लगी है। रोजाना कमाकर खाने वाले तो भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हो गए हैं। इन लोगों का ख्याल करते हुए इन नौजवानों ने अपने जेब के पैसों से ऐसे लोगों को सब्जी देकर मदद की है। इनकी सोच और काम की लोगों ने तारीफ करते हुए इन्हें दुआ दी है। कुड़लगी से बी चैनल के लिए इब्राहिम खलील की रिपोर्ट।